हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज बजटरी कंट्रोल का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ बजटिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास हमने बजटिंग स्टार्ट किया था, थोड़ा सा अपग्रेड हुआ था। ये सिमिलर सम पिछले लेक्चर जैसा ही है, कुछ नया नहीं है। ओके, खाली अमाउंट थोड़े से अलग कर दिए मैंने और एडजस्टमेंट का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, बट एवरीथिंग इज सिमिलर। ओके, आप देख सकते हो सोनी लिमिटेड अ न्यूली स्टार्टेड कंपनी विश टू प्रिपेयर कैश बजट फ्रॉम जैन। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर द फर्स्ट 6 months फ्रॉम द फॉलोइंग एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। क्या समझ में आपने को सीमा? यहाँ पे 6 महीने का बजट बनाने का है। कौन से महीने से? जैन से। फॉर्मेट तो यही रहेगा, तो पहला जैन, कलर चेंज कर दिया जाता है, वाइट कर देते हैं इसे। चलिए ठीक है, जैन का मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना। सही है मोदी। चलो पहला काम तो हो गया, अब दूसरा काम क्या है क्वेश्चन में देखते। तो अपने को डिटेल्स दिया, सेल्स क्या होगा, इनकम, मटेरियल, एक्सपेंस, वेजेस, एक्सपेंस, ओवरहेड्स में 2 ओवरहेड्स है। अब यहाँ पे लिखा नहीं, ये प्रोडक्शन है और ये सेलिंग है, ठीक है, और 2 ओवरहेड्स ले लिया, दोनों अलग अलग दिया, एक प्रोडक्शन ओवरहेड्स है और एक सेलिंग ओवरहेड्स है, बट ये दोनों भी एक्सपेंस ही है, ठीक है। अपने को समझ में आया इतना। अब देखते हो बैलेंस क्या दिया। अच्छा दिया है कैश बैलेंस ऑन 1st of Jan, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है क्योंकि हमारा साल जैन में ही चालू हो रहा है ना, तो अपने पास ओपनिंग बैलेंस है। तो कितना ओपनिंग बैलेंस दिया? 10,000। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इन द मंथ ऑफ जैन में लिख देता हूँ 10,000। एनी डाउट? अरुण क्लियर है यहाँ तक? अरुण आगे बढ़ते, आगे क्या दिया है जरा चेक करते। आगे अपने को दिया अ न्यू मशीन इज टू बी इंस्टॉल, नया मशीन इंस्टॉल करने का जिसका कीमत कितना है, वो भी क्रेडिट में। भाई क्रेडिट में तो कैश बुक में एंट्री आएगा क्या? नहीं, लेकिन उसका पेमेंट 2 इंस्टॉलमेंट में भरने बोला है इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, कल जैसा ही हुआ सेम। तो पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन। भाई कौन से महीने में पेमेंट किया हमने? मार्च में। कितने का मशीन था? 20। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 10,000। अरे बात समझ में आया क्या? क्लियर है? पक्का समझा? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन दिया है देखते। उसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन दिया उसके बारे में बोला है सेल्स कमीशन एट द रेट 5% ऑन टोटल सेल्स इज टू बी पेड विद इन द मंथ फॉलोइंग द एक्चुअल सेल्स। फॉलोइंग मतलब अगले महीने में। तो आपका जैन का जो कमीशन है वो फेब में, अभी इसके पहले का कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज इसने पहले लाइन पे दिया है एक ये न्यूली स्टार्ट कंपनी है, मतलब इनका ट्रांजैक्शन ही जैन से चालू है, तो इसके पहले कुछ ट्रांजैक्शन था ही नहीं। तो जैन का कमीशन ये 20,000 पे 5% कितना आएगा? 20,000 पे 5% 1,000 आएगा, 1,000, 1,100, फिर 1,600 एंड सो ऑन। क्या अपन परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और वो कभी पे करेंगे? अगले महीने। तो जरा फटाफट से इधर कैलकुलेट कर लेते। इसका 5% 1,000, 1,100, 1,400, फटाफट कैलकुलेट करो, ठीक है, बराबर है। अब ये कमीशन मेरा क्या है? एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? पेमेंट साइड पे। तो यहां पे कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन, एक लाइन नीचे आ गया क्या? अच्छा इधर अमाउंट में ना, 10,000 को हम इधर से गायब करके इधर लिख देते, 10,000, 10,000, ठीक है। अब कमीशन जैन में तो नहीं आएगा बिकॉज जैन का कमीशन फेब में आएगा, तो फेब में आएगा 1,000, 1,100। सर कैसे आपको मालूम पड़ा? देख लो, हमने कैलकुलेट तो किया ही ना। 1,000 जैन का फेब में, फेब का 1,100, फिर 1,400, 1,800, 1,500 तक ही आएगा।
तो भाई 1000 हो गया 1100, अभी 1400, 1800 और 1500, ठीक है? तो 1000, 1100 हो गया 1400, 1500, 1800, बराबर ना? 1800 बाद में 1500 है, कोई नहीं भाई, इंसान ही इंसान से गलती होती रहता है, हम उसे सुधार देंगे। तो यहाँ पे पहले 1800 लिखना है और फिर 1500 लिखना है, सही है? कमीशन क्लियर, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया गया भाई, आगे एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट खत्म। 10,000 रुपया बीइंग अमाउंट ऑफ सेकेंड कॉल मे बी रिसीव्ड इन मंथ ऑफ मार्च। 10,000 रुपया सेकेंड कॉल का पैसा मिलने वाला है, कौन से महीने में मिलने वाला है? मार्च के महीने में। शेयर प्रीमियम अमाउंटेड टू ₹20,000 इज ऑल्सो ऑब्टेन विद द सेकेंड कॉल। मतलब 10,000 रुपए कॉल का भी मिलेगा और 20,000 रुपए प्रीमियम का ही मिलेगा, पैसा मिलेगा, मिलेगा मतलब पैसा आएगा, रिसिप्ट होगा। रिसिप्ट साइट पे जाके लिखेंगे, सबसे पहला लिखता हूं मैं कॉल मनी, उसके बाद शेयर प्रीमियम। कौन से महीने में पैसा मिलने वाला है? दोनों मार्च में मिलने वाला है। 10,000 ये दोनों का नहीं, 10,000 और 20,000, 10,000 20,000, क्लियर हो गया? बढ़ेगा कि उसके बाद क्या है जी, जरा चेक करते। आगे दिया, आगे दिया, आगे क्या दिया है जी? आगे दिया है पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। सीमा सप्लायर मतलब, सप्लायर मतलब जिससे सामान खरीदते हो, परचेस करते हो। परचेस करते हो मतलब क्या करते हो? परचेस मटेरियल के ऊपर एडजस्टमेंट। सप्लायर यानी कि क्रेडिटर्स, जिससे आप सामान मटेरियल परचेज, इनके ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या दिया है कि हमने जिससे सामान खरीदा था उसने बोला 2 महीने में पैसा दे देना, मतलब मटेरियल का पैसा, जैन का पैसा कौन से महीने में जाएगा, फेब का पैसा अप्रैल में, एंड सो ऑन। वर्किंग बनाओ क्या इसका, पक्का समझेगा 100%। तो अमाउंट आप लोग के फोन में है या पीडीएफ है, जो भी है, आप पेमेंट करेंगे। यहां पे लिखता हूं मैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू मटेरियल या तो क्रेडिटर्स। जैन में कोई पेमेंट आएगा क्या? फेब में कोई पेमेंट आएगा क्या? नहीं। कौन से मंथ में आएगा? मार्च में। कितना जैन का कितना परचेस था? 20,000, 20,000 था ना? अरे बात समझा क्या? फिर अप्रैल में कितना आएगा? 14,000 का परचेस था क्या? 14,000। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 14,000, फिर से 14,000, फिर 22,000। बस समझ में आया ये, पक्का? बढ़ेंगे आगे, उसके बाद कोई और इंफॉर्मेशन है क्या, चेक करते। आगे देखते पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय कस्टमर। कस्टमर यानी कि जिसको आप सामान सेल्स करते हो, बट इसके बाद एडजस्टमेंट था। अज्यूम कैश सेल्स टू बी 50% ऑफ टोटल सेल्स। अगर ये नहीं होता तो अपने लिए ये इधर एडजस्टमेंट खत्म हो गया रहता, पर उसने बोला है भाई आपको उधार मिल रहा है, 1 महीने का आप उधार दे रहे हो, लेकिन जो भी आप सामान बेचते हो उसमें आधा तो कैश है, आधा उधार है, और वो उधार कितने महीने का? 1 महीने का। समझ में आया? मतलब जो मेरा सेल्स है इसका मैं वर्किंग बनाता हूं। चलिए पहले मुझे सेल्स के सारे अमाउंट्स बोल दो, पहले मैं लिख लेता हूं टोटल सेल्स इन द मंथ ऑफ जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का इंफॉर्मेशन दिया है। चलिए सेल्स ऑफ जैन 20,000, 22,000, 28,000, 36,000, 30,000, 40,000, बराबर। अब इसके अंदर दो टाइप का सेल्स होता है, एक है कैश और एक है क्रेडिट। टोटल रिसीव्ड, ठीक है, कैश कितना परसेंट है? 50%, और ये भी है 50%, तो 50 मतलब 10,000, 10,000 बराबर 11,000, 11,000 सबर अली 14,000, 14,000, 18,000, 18,000, 15,000, 15,000, 20,000, 20,000। कैश तो उसी महीने में मिलेगा,
लेकिन क्या क्रेडिट जैन का उस महीने में मिलेगा? नहीं, ये जो उधार है वो कहां मिलेगा? यहां पे। तो इस महीने में कैश कितना मिलेगा? सिर्फ यही 10,000। बट इस महीने में ये भी मिलेगा और ये पैसा भी मिलेगा, मतलब यहां पे रिसीव हो गया 11,000। सॉरी 11,000 नहीं, कितना है? 10,000 है, 10,000। ये कौन सा? इस महीने का 11,000 आएगा इधर, 14,000 आएगा इधर, 18,000 आएगा इधर, 15,000 आएगा इधर। तो अब टोटल इस मंथ में ये दोनों मिला, ये मिला, ये दोनों अमाउंट मिला, ये दोनों अमाउंट मिला और ये दो अमाउंट मिला, बराबर। इधर तो कुछ भी नहीं मिला था, इधर 10 मिला, इधर 11 और 10 21,000 मिलेगा, 14 और 11 25,000 मिलेगा, 18 और 24 अरे सॉरी 18 और 14 32,000, 32,000 ही आएगा ना, 15 और 18 33 और 20 और 15 35। कैश रिसीव समझ में आया कैसे होगा? सेल्स का, अब ये सेल्स में जाके लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखता हूं सेल्स। चलिए अमाउंट देख लेते एक बार, फिर एक बार मेरे को अमाउंट बोल देना, या तो आप चाहिए तो लिख लो। पहला जैन के महीने में कितना आएगा? 10,000 लिख लेना, 21,000, 25,000, 32,000, 33 एंड 35 लिख लो, फिर मैं फटाफट, मेरे को बोलने में आसानी है। 10, 21, 25, 32, 33, 35 लिख लिया। चलिए आप बोलिए। तो सेल्स जैन के महीने में 10,000, ठीक है। फेब में 21,000, इधर 25,000, 32,000, 33,000, 35,000। क्लियर है यहां तक? सीमा उसके बाद क्या है आगे क्वेश्चन में? भाई सेल्स दोनों हो गया, डिले इन पेमेंट ऑफ कितना महीना? एक, और वेजेस का कल था हाफ, मतलब आधा आधा 50%। तो भाई ओवरहेड्स तो एक एक महीने में जाएगा, जैन का फेब, फेब का मार्च, मार्च का अप्रैल एंड सो ऑन, और इधर भी सेम। तो साथ में इधर प्लस करता हूँ, 32 + 8 4,000। ये कौन से मंथ में जाएगा? फेब में। इसको प्लस कर लो, 3,300 + 900 = 4,200। ये मार्च में आएगा, 4,300 अप्रैल में आएगा, 4,500 मई में आएगा, और 4,100 ना, ये जून में आएगा। आगे नहीं चाहिए अपने को, जून तक ही चाहिए ना, खाली जैन नहीं है ना यहाँ पे कुछ भी। तो ये अमाउंट देख लो, 4,200, 300, 500, 100, ठीक है। अब पेमेंट होगा ना, मैंने साथ में ले लिया दोनों, पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। जैन में तो नहीं है बट फेब में है, 4,000, फिर 4,200, 4,300, 4,500, 4,100, बराबर है 4,200, 4,300, 4,500, 4,100। क्लियर हो गया? क्लियर। अब उसके अलावा क्या एडजस्टमेंट है? वेजेस पे। वेजेस के बारे में क्या बोला है? वेजेस के बारे में बोला आधा आधा महीना, मतलब जैन का 4,000 है तो आधा तो जैन में मिलेगा और आधा किधर मिलेगा? फेब में। तो इसका वर्किंग बना लेता हूं, पहले मैं टोटल वेजेस लिख लेता हूं। टोटल वेजेस जैन में 4,000, फेब में 4,400, 4,600, 4,600, 4,000 पक्का 4, देख लो बेटा बुक में भी चेक कर लेना एक बार, अगर ऐसा कुछ है तो 4,000 और 4,000, अच्छा यहाँ पे 5,000, ठीक है। अब हाफ सेम मंथ में, हाफ अदर मंथ में, नेक्स्ट मंथ बोल सकते हो। तो 2,000 तो इधर आएगा और 2,000 इधर आएगा, 2,200, 2,200, 2,300, 2,300, 2,300, 2,300, 2,000, 2,000, 2,500 डैश
अब टोटल कर ले दे, तो यहाँ पे जैन का टोटल कितना है, सिर्फ 2000, ये दोनों अमाउंट होगा ना, 2000, 4200, 4500, समझा ना, 4600, 4300, 4500 अमाउंट लिख लो, तो फटफट मेरे को लिखने को इजी हो जाएगा। 2000, 4200, 4500 देख लिया, चलिए ठीक है। आ जाते हैं पेमेंट की तरफ में, तो पेमेंट फॉर वेजेस पे जाते हैं, पेमेंट टू वेजेस। सबर अली, हाँ क्या नहीं समझा बोलो। आधा जैन का जैन में देंगे, आधा अगले महीने में देंगे, ये वर्किंग समझ में आया। अब जैन में कितना पेमेंट हुआ, इतना देना था, बट पेमेंट तो सिर्फ 2000 का ही हुआ ना, दोनों को टोटल किया ना, इधर इसका आधा और जैन का आधा, तो ये 2000 और ये प्लस किया, तीनों की वो तो टोटल खर्चा था ना। चलिए पेमेंट, जैन में कितना पेमेंट किया, 2000, 4200, 4500, 4600, 4300, 4500 बराबर है, ये समझ में आया। और कोई खर्चा बचा है क्या, एक बार चेक कर लेते। चलिए चेक करते, क्या मैंने सारे एक्सपेंसेस, हाँ सेल्स का एडजस्टमेंट हो गया, मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, सारे ओवरहेड्स हो गए, सारे एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गए। अब बचता है सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग करेंगे, फटाफट से कैलकुलेटर ले लेंगे। पहले अपन रिसिप्ट का टोटल ले लेते हैं फर्स्ट मंथ का, तो ये आ गया 20,000। पेमेंट का टोटल ले लेते हैं, इसका टोटल 2000, 20 में 2 माइनस हो जाएगा 18,000, जो इधर का क्लोजिंग वो इधर का ओपनिंग बन जाएगा। अब इसका टोटल ले लेंगे, 18 प्लस 21, 39,000, इसका टोटल ले लेंगे 9,200, 39 में 9,200 माइनस करेंगे 28,800, इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग 29,800। चलिए अब इसका टोटल ले लेंगे 66,800, इसका टोटल ले लो 60, नहीं ज्यादा आएगा इसका टोटल, हाँ बराबर है, इधर 60,000 तो मेरे को ऐसे ओरली दिख रहा था, ज्यादा है टोटल 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 75 तो पॉसिबल ही नहीं है, 70 प्लस 9 है, 84,800 राइट आंसर है, 84,800 राइट है, इसका टोटल ले लो 10, 20, 38, 39,800 बराबर है, 39,800 परफेक्ट है, 84,800 में 800 चला गया, 39 मतलब 5, 45,000 परफेक्ट, इधर से आ जाएंगे 45,000। सना क्या हो गया, टेंशन है कुछ, 45 प्लस 32, 77,000 सना, उम्र हो गया बेटा, 29,800 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस देखो 20,000 है, देखो एडजस्टमेंट 2000 बुक, कौन सा सम देख रहे हो, 38 वाला ना, 20,000 दिया कि 2000 दिया है, अच्छा इसकी वजह से अपन ने 20,000 का कैलकुलेशन कर लिया। चलो ना, अमाउंट अभी बैलेंस तो अपन निकाल रहे, अपने को समझ में आ ही रहा है ना कैसे सॉल्व हो रहा है वो है, अभी 2000 दिया तो अमाउंट कम हो जाएगा और कुछ नहीं, तो ये 60, 68, 9 या 60 ये कुछ आए, हाँ वही आएगा, चलो कोई नहीं, अभी अपन ने 20 के हिसाब से कैलकुलेशन किया, 77,000 इसका टोटल किया किसी ने, आंसर नहीं, इसका टोटल कितना 40
पक्का ना मोदी? 30, 4, 3, 42,700. ये कैसे 77 में से माइनस है, इधर का क्लोजिंग तो इधर का ओपनिंग ले लिया, 42,700. चलिए टोटल के लीजिए 75,700. इधर का टोटल ले लो 24,600. माइनस कर दो, बैलेंस कितना आ रहा है 75,700 माइनस 51,100. इधर का क्लोजिंग, इधर का ओपनिंग 51,100. 86,100. 32,100. माइनस कर लीजिए 100, 100, 2 और 4, 5. 54,000. समझ में आ गया. अब टेक्स्ट बुक में शेयर प्रीमियम का अमाउंट 2000 दिया है, तो 2000 के हिसाब से बैलेंस बदल जाएगा. तो मैं वो आंसर के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, मैं कंसेप्ट के पीछे भाग रहा हूँ. कंसेप्ट समझ में आया तो 2000 हो, 50,000 हो, 25,000 हो, कुछ भी हो, समझ में आया क्या? तो आई होप अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ गया रहेगा टॉपिक के ऊपर, क्योंकि 3 लेक्चर्स हो गए, अभी धीरे धीरे प्रो बनने का अपने को. ठीक है, निब्बा निब्बी का खेल खत्म अभी. ठीक है, आज के लिए इतना. फुल आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.